जी मेरा नाम प्रदीप ठुकराल है जी, और यहाँ पर काम करते हुए काफ़ी अरसा हो गया मेरे को, और ये हम अपने दादाजी के समय से काम कर रहे हैं। दादाजी के बाद अब तीसरी पीढ़ी चल रही है हमारी, और समोसे फेमस है हमारे, दूर दूर से लोग आते खाने के लिए। और तो इसके साथ हम चने वगैरह देते हैं, वो काफ़ी चने की भी अपनी क्वालिटी है, एक सादगी होती है उसमें जो समोसे के साथ स्वाद लगते हैं। मट्ठी है, सतपुड़ा है, गुलाब जामुन है, कचौरी है, स्प्रिंग रोल है, बस यही 6-7 आइटम हम बनाते हैं। दोस्तों कैसे हो आप साहब, आज आपको हम खिलाने लाए हैं समोसे, अमृतसर के फेमस राम समोसे वाले काफ़ी फेमस हैं लोहगढ़ एरिया में, और ये अपने समोसे के छोटे साइज़ के लिए काफ़ी फेमस हैं। तो चलिए हम दुकान के अंदर से बात करते हैं और ये क्या क्या वैरायटी बनाते हैं। हमारे साथ दुकान के अंदर अपने प्रदीप भैया जी हैं, तो सबसे पहले नमस्ते भैया जी। नमस्कार जी। तो भैया जी आप ही बताइए, आपकी दुकान कब से है और ये आपकी जो छोटे साइज का समोसा काफ़ी फेमस है अमृतसर में, हाँ जी, तो इसके बारे में आप कुछ हमें अपनी हिस्ट्री बताइए। मतलब सर ऐसा, ये काम हमारे दादाजी ने शुरू किया था। ओके जी। हाँ जी, पहले तो वो वेंगी लगा के वेंगी के ऊपर समोसे भेजा करते थे। अच्छा, वेंगी के ऊपर। हाँ ठीक है जी। फिर उन्होंने रेड़ी लगाई, फिर धीरे धीरे यहाँ पे दुकान, यही दुकान किराए पे ली, यही दुकान किराए पे ले, फिर अपनी ले ली। तो आप बता रहे थे कि उसके उस टाइम में जो 1 रुपए के 16 समोसे आप देते थे। हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी। आने मतलब का एक आने का समोसा, एक आने का एक समोसा होता था। और आज कितने का दे रहे हो आप? आज हम 10 रुपए के 2 समोसे दे रहे हैं। अच्छा, अभी भी आप 10 रुपए के 2, यानी कि 5 रुपए का एक समोसा आप दे रहे हो। हाँ जी। और तब 5 रुपए का भी दे रहे हो और इतना आपके पास कस्टमर है, मतलब वो भी मैं देख रहा हूँ काफ़ी कस्टमर आपके साथ जुड़ा हुआ है। हाँ जी, देखो जी ये इस दुकान के साथ कस्टमर की यादें जुड़ी हुई हैं। अच्छा, यादें जुड़ी क्योंकि ये अमृतसर की इतनी पुरानी दुकान है। और हाँ जी, हाँ जी। और पहले 12 गेट, ये 12 गेट के अंदर शहर होता था। 12 गेट के अंदर ये शहर होता था। तो गेटों के बाहर तो कोई आबादी थी नहीं। ठीक है। तो एक यही एक मात्र दुकान होती थी सब लोगों के लिए, सबको शाम के स्नैक्स के लिए यही दुकान थी। अब जो लोग भी आते हैं खाने, बस वो आते हैं और अपना बचपन याद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अपने बच्चों को भी लेके आते हैं। और प्रदीप भैया आपका जो लैंडमार्क है बिल्कुल सामने गुरुद्वारे के सामने है ना, लोहगढ़ साहब गुरुद्वारा जी साइड के सामने बिल्कुल गुरुद्वारे की आपकी दुकान है। हाँ जी। और आपके, हमने चने के बारे में, जो आप चने बनाते हो, हाँ जी, उसके बारे में बड़ा सुना है, तो वो क्या है मतलब उसके बारे में आप बताइए। सबसे पहले अमृतसर में आपने शुरू किए थे समोसे के साथ चने देना? वही, ये तो मुझे खुद भी याद नहीं है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ मेरे दादाजी ने शुरू किया था। अच्छा, दादाजी, दादाजी के बाद मेरे पिताजी ने किया, उसके बाद में मैं कर रहा हूँ। हम तो बचपन से यही देखते आ रहे हैं जो सामान आप है। आपकी अब तीसरी पीढ़ी जो काम कर रही है। अब मेरी भी उम्र 40 से ऊपर हो गई है। साहब की भी उम्र 40 से ऊपर हो गई है। और मैं देख रहा हूँ समोसा तो आपका फेमस है ही है,
उसके साथ आप क्या क्या बनाते हो और आप बताइए? एक हमारी जो मठरी है, मठरी मठी बोलते हैं, मठी बोलते हैं, वो बड़ी फेमस है, वो तो हमारी पूरे वर्ल्ड में जाती है। अच्छा, दिखा सकते हो अगर बनी है? हाँ, ये तो गाइस हमें ये दिखाने वाले हैं अपनी मठरी है आज हमारी। अच्छा, ये आपकी मठरी है? ये बहुत ही खस्ता होती है, काफ़ी खस्ता, बूढ़ा आदमी भी बिना दाग के खा लेगा। अच्छा, तो इसको मतलब बनाने के लिए मोन वगैरह आप रेडी करते हो? तो ये इसकी कॉस्ट क्या है एक किलो की? ये 140 रुपये किलो। 140 रुपये किलो, क्या बात है। और ये आपके मैं चने देख रहा हूँ, चने बहुत ही बढ़िया मुझे लग रहे हैं, जो काफ़ी फेमस हैं। यह कि समोसे जितने मसाले वाले होते हैं, चने उतने ही सादे होते हैं। अच्छा, ये उतने ही सादे होते हैं। इसका टेस्ट इसकी सादगी में है। अच्छा, इसके साथ ही जो इसका सादगी में इसका टेस्ट है। अच्छा, सादगी में, वो क्या बात है जी, बहुत ही बढ़िया। साथ में अपने मीठी चटनी खाए, किसी को ये नहीं लगेगा कि हमारे छाती में जलन हो रही है या खराब लग रहा है। और मसाले भी खुद आप तैयार करते होंगे सारे? हाँ जी, हाँ, ठीक है जी। तो प्रदीप जी, बहुत ही बढ़िया लगा आपसे बात करके। तो हमारे लिए भी आप एक समोसे की प्लेट रेडी कर दीजिए, तो हम भी अपने दोस्तों को खा के बताएँ क्या कैसा इसका टेस्ट है। ये हमारे लग गई है समोसे की प्लेट, ये अब भैया ने डाल दिए चने, बहुत ही बढ़िया लग रहा है और खुशबू भी दोस्तों काफ़ी आ रही है। तो चलिए हम आपको टेस्ट करके बताते हैं कैसा इसका टेस्ट है। तो दोस्तों, बन गई है हमारी समोसे की प्लेट। तो भैया ने अपने जो फेमस चने हैं वो दिए हैं, साथ में इन्होंने ये देखिए, मैं पहले आपको साई दिखाता हूँ। ये साई देखिए, बिल्कुल जो इंडियन फूड का समोसा होता है, जो उसका जनरल साई होता है, उससे बिल्कुल थोड़ा सा छोटा है, ज़्यादा भी छोटा नहीं है। और ये इसकी कॉस्ट एक की 5 रुपीज़ है और दोनों की 10 रुपये, और साथ में चने, और चने आप और एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया काफ़ी। और आपने इंटरव्यू में देखा होगा, इन्होंने बताया भी जब मेरे दादाजी ने काम शुरू किया था तो 1 रुपये के 16 समोसे तब देते थे, मतलब तो एक आने का समोसा हो गया। तो बहुत ही बढ़िया, काफ़ी फेमस है ये। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको इनके जो फेमस चने हैं उनके मैं टेस्ट करता हूँ। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सिंपल, भैया ने बिल्कुल सही बोला था, बिल्कुल सिंपल हैं, सादगी से जो बनाए होते हैं चने हैं वो है। चने भी बिल्कुल गले हैं, साथ में इन्होंने अंदर थोड़े से ये इसमें आलू वगैरह डाला हुआ है। तो चलिए, अब मैं आपको समोसा ट्राई करके बताता हूँ इसके समोसा कैसे टेस्ट है। तो ये देखिए, बहुत ही बढ़िया फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल ऊपर से जो इसकी लेयर है बिल्कुल खस्ता है, बिल्कुल मैदे को मोन करके इन्होंने बनाया हुआ है, कोई भी मतलब कमी नहीं छोड़ी समोसे बनाने में। और जो फीलिंग है उसमें से हल्की हल्की सी जैसे गर्म मसाले की मुझे एक फ्रेगनेंस आ रही है, बहुत ही अच्छा टेस्ट है और इतने कम पैसों में बहुत ही बढ़िया लाजवाब टेस्ट है। तो सो गाइस, आप कभी अमृतसर आएँ तो लोगड़ एरिया में इनकी दुकान है राम समोसे वाले, तो काफ़ी फेमस है, आप किसी से पूछ के आप इनकी दुकान पे विज़िट कर सकते हैं और इसको ट्राई करें, बहुत ही बढ़िया है। और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।